Uh, a lot of times a question is asked from our team ki aise kya hai that the toppers are doing that we can do to clear our exams because we feel like ki jo toppers they have given a lot of exams they have a lot of experience unhone interviews they have given phase 2 before but aisa not see there are a lot of people who have just completed their graduation post grad and they give the exam and in the very first attempt they clear the exam and you know they get a very good rank as well sometimes तो ऐसा तो नहीं है कि उनमें बहुत उनको बहुत एक्सपीरियंस है ऑलरेडी दैट्स नॉट द केस ऑलवेज तो ऐसी क्या चीज है विच दे आर डूइंग दैट वी कैन फॉलो इन आर प्रेपरेशन एंड क्लियर द एग्जाम इन दिस अटैम्प्ट से विच इज एग्जैक्टली वी टॉक अबाउट इन दिस वीडियो ठीक है तो सबसे पहली चीज दैट पीपल हु क्लियर द एग्जाम एंड द पीपल हु स्टक इन समटाइम्स इन फेज टू और समटाइम्स इवन इन फेज वन से तो जो डिफरेंस है दैट इज नंबर वन दे Prepare for their exams right from the very beginning. They give ample amount of time to their preparation. Prioritize uh, their exam before anything else and revision. Revision is the key. They keep revising. Give a lot of mocks and the extra things are we are going to discuss in this video. Karne wale okay, so our live classes have started. If you haven't already enrolled, you can. 2023 ke exams are going to be very near. SEBI to almost around the corner. RBI is going to be uh, RBI exam. Is going to be held in 2023 very soon. So you can jo join our live classes and also download our app the .in. information mil about regulatory exams. Um, also, sometimes we are unable to find past year exams. and we keep searching on Google kahi se to past year papers. Mil you can find all the uh, past year papers and exam updates on this app. Now, the very first trick that you know the toppers follow that sometimes we are unaware of.

देर आर सेक्शन फ्रॉम ट्वेंटी थ्री टू फोर्टी वन एंड सारे ही पढ़ने हैं स्पेशली फॉर फेज टू फेज वन में आप कैटेगराइज कर सकते हो वॉट इज इम्पॉर्टेंट वॉट इज नॉट बट फेज टू में तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है सारे सेक्शंस नाउ हाउ डू वी रिकॉल दीज से ड्यूरिंग आर एग्जाम या पढ़ना भी कैसे है द सोल्यूशन इज क्रिएट योर ओन चीज शीट जब भी आप पढ़ रहे हो यू नो इन अ पीस ऑफ पेपर स्टिक इट ऑन योर वॉल और ऑन योर डेस्क ऑन योर स्टडी टेबल राइट ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आर आर फैक्चुअल जो आपको एग्जाम में आएंगे फैक्चुअल एंड इम्पोर्ट जो आपको रिमेंबर करने हैं उनमें कोई कंसेप्ट नहीं है यू कैन नॉट बिल्ड अ स्टोरी बिहाइंड देम वो आपको रट्टा मारना है उनका ठीक है तो वन सच एग्जाम्पल इज दिस एंड ये तो अभी मैंने सिर्फ सिक्स uh, सेवन निकाले हैं देर आर ट्वेंटी थ्री एंड देर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स इन कंपनीज एट जिसमें सारे सेक्शन हैं पेनल्टीज कमिटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो अभी आप कैसे पढ़ेंगे क्रिएट योर ओन चीट शीट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस

Again and again and again. सी में बहुत सारे फॉर्मुलाज है रेशोज में कॉस्टिंग में भी बहुत सारे फॉर्मूलाज है कॉन्ट्रेक्ट कॉस्टिंग में सीवीपी एनालिसिस अगर आपने पढ़ा हो तो. तो अब जो फॉर्मूलाज है नॉट न्यूमेरिकल्स बट फॉर द फॉर्मूलाज यू कैन क्रिएट योर चीट चीट

दीज आर नोट्स फ्रॉम फाइनेंस फाइनेंस के फॉमुलाज डेरेवेटिव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर द इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम डेरेवेटिव इन फेस टू तो यू कैन यू नो क्रिएट योर ओन चीट चीट ट्रिक नंबर टू फ्लो चार्ट एंड माइंड मैपिंग अब हमें लग सकता है कि यू नो दिस इज वेरी जेनरल एवरीबडी फॉलोज इट बट वी हैव टू आस्का सेल्स की जेनरल तो है सब करते हैं बट डू वी एक्चुअली फॉलो इट डू वी एक्चुअली क्रिएट आर ओन माइंड मैप्स हाउ ऑफन डू वी डू दैट हमेशा तो नहीं करते हैं बट अब से करना शुरू करना है बिकॉज अगेन रिटेंशन पावर हमारी इंक्रीज होगी इफ वी स्टडी थ्रू अ फ्लो चार्ट एक आपने दो पैराग्राफ पढ़े एंड यू स्टडीड इट थ्रू अ फ्लो चार्ट कौन सा ज्यादा इजीली आप रिमेंबर कर पाओगे ऑब्वियसली द फ्लो चार्ट वन ठीक है आई गिवन एन एग्जांपल हियर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग रूल्स बहुत ईजी है सबने अभी तक पढ़ लिए होंगे देर आर यू नो थ्री अकाउंट्स पर्सनल रियल नॉमनल अब इनके रूल्स यहाँ पे गिवन है डेब इथ द रिसीवर क्रेडिट द गिवर अभी आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से रिकॉल हो पाएगा ड्यूरिंग योर एग्जाम इफ दिस इज इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन अनदर एग्जाम्पल ए एस टू ये शायद दिख नहीं रहा होगा दिस इज ए एस टू इन्वेंटरी अब इन्वेंटरी में दिस अ टॉपिक मेजरमेंट ऑफ इन्वेंटरी ये पूरा हमने इस फ्लो चार्ट में हाफ अ पेज में आ गया है ये एंड हमने फ्लो चार्ट के थ्रू पूरा इन्वेंटरी खत्म कर दिया अपना एल टीच यू हाउ मेजरमेंट ऑफ इन्वेंटरी इट ज मेजर्ड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर अब कॉस्ट में क्या आता है परचेज प्राइस कन्वर्जन कॉस्ट अदर कॉस्ट कन्वर्जन कॉस्ट में हम लेते हैं लेबर ओवरहेड एंड प्रोडक्शन ओवरहेड प्रोडक्शन ओवर में दो चीजें आती हैं फिक्सड ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड अब कौन से में फिक्सड ओवरहेड लेना है कौन से केसेज में वेरिएबल ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलरली एनआरवी दिस इज एनआरवी का फॉर्मूलाल इज एट एक्चुअल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट कौन से केस में क्या लेना है वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है दी एंटायर टॉपिक ऑफ मेजरमेंट ऑफ इन्वेंटरी कोई भी क्वेश्चन आए यू विलॉज यू लर्न इट थ्रू अ फ्लो चार्ट अगर आपको एग्जाम में नहीं भी रिकॉर्ड हो रहा है आप छोटा सा फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं सकते हैं सो दो कैन बी यू नो डन विद्प ऑफ अ फ्लो चार्ट वो तो आपको करने ही करने सिमिलरली मैनेजमेंट आपका फ्लो चार्ट से बहुत ईजिली हो जाएगा लीडरशिप की इतनी सारी थियोरीज है दैट यू कैन डू थ्रू फ्लो चार्ट ठीक है इनमें आप यू नो वन वन पॉइंट यू कैन राइट अबाउट वॉट इज ऑटोक्रैटिक वॉट इज फ्री रेन लीडरशिप फॉर एग्जाम्पल फिडलर ने ही गेव मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल टास्क ओरिएटेड एंड रिलेशन ओरिएटेड इन्होंने दो में डिवाइड कर दिया अगेन फ्लो चार्ज से आप इसको पढ़ सकते हैं यू कैन ऑल्सो जब आप फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे ना यबल टू रिकॉल इन योर एग्जाम्स आपको अपना अपने नोट से याद आ जाएंगे ड्यूर वेन अ क्वेश्चन इज आस्ट ठीक है ट्रिक नंबर थ्री इज एक्टिव रिविजन अगेन बहुतों को लग रहा होगा जनरल है रिविजन करो एवरीबडी एलोकेट आर टाइम स्पेसिफिकली फॉर रिविजन वी हार्डली डू दैट हम जब अपना टाइम टेबल बनाते हैं मंडे चैप्टर वन ट्यूजडे चैप्टर टू वेंसडे चैप्टर थ्री बट वी डोंट डू लाइक मंडे चैप्टर वन देन चैप्टर टू एंड देन रिविजन ऑफ दीज चैप्टर्स डू नॉट मेक अ टाइम टेबल लाइक हम कभी भी नहीं करते सो वी है एक दिन निकाल के इन अ वीक और डेली डेली एक घंटा निकाल सकते हो और टू आवर्स में भी और वीकली गिव होल वन डे फॉर रिवाइजिंग वट एवर यू डन इन दर वीक रिविजन के लिए स्पेसिफिकली अलग टाइम निकालना ही आपको पड़ेगा एंड राइटर योर टाइम टेबल वेन योर क्रिएटिंग योर ओन टाइम टेबल उसमें रिविजन का टाइम लिखिए ठीक है डू नॉट स्किप इट अगेन रिविजन से क्या होगा रिकॉल करने में आसानी होगी इन योर एग्जाम जब आप एग्जाम करो इन यू समथिंग अगेन एंड अगेन हर दस दिन में सेम चीज पड़ी है तो एग्जाम में रिकलेक्शन तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इट विल बी वेरी इजी राइट थर्ड यू के नॉट मेक मिस्टेक्स आपको स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए होती है ये तो हम सबको पता है ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए अब एक्यूरेसी कैसे आएगी अगेन अगर हमने सेम क्वेश्चंस या तो मॉक्स में करे हैं या हमने सेम टॉपिक को बहुत बार रिवाइज करा है आप किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए व्हाट इज वन थिंग दैट दे डू यू नो टू क्लियर द एग्जाम या बहुत बड़ी बहुत ही एग्जाम्स निकल जाते हैं कुछ लोगों के बाई रिवाइजिंग इट दैट इज दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रिविजन इज द की हम हमेशा ही बोलते आ रहे हैं बट वी हेड डी फॉलो इट आर ओके ट्रिक नंबर फोर न्यूमोनिक्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमॉनिक्स बट हमें समझना है वे डू वी मेक दीज न्यूमोनिक्स करने हैं हर जगह तो नहीं यूटिलाइज हो सकते समथिंग समथिंग दैट दैट हैज हैज टू बी अ समूगिंग बिहाइंड दिस उस पर आप न्यूमोनिक्स नहीं लगा सकते बट समथिंग दैट दैट कैन बी क्रिएटेड इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म या फिर जो मग अप करने हैं जिनको रटा लगाना है उन टॉपिक्स पे यू कैन क्रिएट योर ओन न्यूमॉनिक्स फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट में आई हैव एन एग्जाम्पल फॉर यू टेन मैनेजीरियल रूल्स नाउ नंबर वन रूल्स टेन है तो आप इनको कैसे कर सकते हैं एफ एल एल एम डी एस ई डी आर एन आई आई डी ऐसे करके आपने शॉर्ट फॉर्म बना ली एंड यू कैन क्रिएट न्यूमोनिक फॉर योर सेल्फ स्टेटमेंट बेस्ड एफ एल एल पे कोई स्टेटमेंट बना ली राइट right? ऐसे करके आप न्यूमोनिक्स बना सकते हैं मैनेजमेंट में इट इज वेरी इजी अगेन लीडरशिप स्टाइल्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी न्यूमोनिक्स बहुत आसानी से बन सकते हैं लूविन लिंकर्टन सब ने जो भी लीडरशिप थ्योरीज दी हैं उनके न्यूमोनिक्स बन सकते हैं मैनेजरियल रोल पे तो मैंने आपको दिखाई दिया कैसे न्यूमोनिक्स बन सकते हैं न्यूमोनिक्स बहुत आसान है यू नो इन केस ऑफ क्वेश्चन कम्स एंड यू आर टू रिकॉल कि फॉर एग्जाम्पल अगेन दिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी कंफ्यूजिंग इन योर एग्जाम्स डिसीजनल में फॉर एक्जाम्पल अ क्वेश्चन इज आस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज अ डिसीजनल रोल राइट द फिगर हेड लीडर एंड नेगोशिएटर और नन नन ऑफ ऑफ अबव तो अबव बहुत कंफ्यूजिंग होता है ऑलरेडी ठीक है ऑन टॉप ऑफ दैट दी ऑप्शन आर वेरी क्लोज यू कैन फील लाइक की लीडर भी तो डिसीजन लेता है सो ही इट कैन बी अ डिसीजनल रोल बट द आंसर इज अ नेगोशिएटर ठीक है एंड अभी हमें याद नहीं रहेगा बट इफ वी क्रिएट न्यूमोनिक्स या फिर हम अपनी चीट शीट बनाए तो हमें आसानी से याद आ जाएगा दैट दिस इज अ डिसीजनल रोल एंड जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं दैट कैन बी सॉल्व इजिली इफ वी क्रिएट आर ओन न्यूमॉनिक्स ओके ट्रिक नंबर फाइव

एग्जाम्पल क्वेश्चन वॉज आस्ट फ्राम एनसीएलटी अपने एनसीएलटी का पूरा टॉपिक पढ़ लिया सबसे पहले तो किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हैस ईयर में इस टॉपिक का क्वेश्चन आया फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्वेश्चन ओके सो इस टॉपिक का क्वेश्चन आया है नंबर वन दिस टॉपिक बिकम इंपोर्टेंट नंबर टू कैसा क्वेश्चन आया है दे हैव आस्ड की फॉर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ हाई कोर्ट इज द प्रेजेंट ऑफ आई कैन बी अट ऑफ एनसीएलटी राइट तो पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन नंबर वनसेप्ट चैप्टर नंबर टू द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन एंड कैन इट बी चेंज इन फ्यूचर पैटर्न डिफिकल्ट भी हो सकता है आपका तो ऐसे आपको एनालाइज करना है कि कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं व्हाट आर स्ट्रैटेजी शुड बी टू टू क्लियर दी एग्जाम इजीली ठीक है अनदर एग्जाम्पल एल एम कर्व अगेन कैन बी कंफ्यूजिंग बिकॉज एल एम उनमें शिफ्ट पढ़ने राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट इंक्रीज इन मनी डिमांड में ये समझना है कि कैसे हमें रिविजन करना है अब नंबर वन रिवाइज करना है, जब हम कर रहे है तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है

फॉर सम पीपल दिस क्वेश्चन कैन भी इजी फॉर सम पीपल दिस क्वेश्चन कैन भी डिफिकल्ट जिन्होंने पढ़ा है सपोज यू रीड दिस क्वेश्चन इन अ मॉक टेस्ट एंड यू फील लाइक ये तो बड़े आराम से हो गया वाई बिकॉज हाइव रेड दिस टॉपिक सम पीपल माइट फील लाइक आई रेड दिस टॉपिक बट स्टिल दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट एंड सम पीपल वी लाइक दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल एंड वी एव नॉट रेड द टॉपिक तो वो भी आपको समझ आएगा कि कौन सा टॉपिक आपको कितने डेप्थ में करना है ठीक है अनदर वे ऑफ एनालाइजिंग योर मॉर्क्स पहले तो चैप्टर Then, अपनी स्ट्रेटेजी देन पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन टू कितनी डेप्थ में कौन सा चैप्टर पढ़ना है कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं दिस एनालिस कैन बी डन थ्रू योर मॉर्स एंड प्रीवियस इेपर आईव गिवन यू एन एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल अब एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आया हुआ है बी पी निकालना एंड में इन यूनिट ठीक है सो पहली बात तो जब आपने प्रैक्टिस करे होंगे यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चन इन एग्जाम दूसरी बात मॉक्स दिए होंगे देन ऑल्सो बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चन नाउ इसमें एनालिसिस क्या है वी हैव टू एनालाइज इज दिस क्वेश्चन हैवी डन दिस क्वेश्चन बिफोर और नॉट हैवी स्ट दिस कॉन्सेप्ट येस और नो पहले तो वो डिसाइड करा देन इज इट इजी और सोल्वेबल इनफ कि हम एक मिनट के अंदर अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे इफ येस yes, पिक दिस क्वेश्चन इफ नॉट अगर हमें लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में देन यू कैन इधर लीव दिस क्वेश्चन और कम बैक टू इट इन दी एंड अगर आप पहले ही चार मिनट इस क्वेश्चन को दोगे यू विपिंग योर क्वेश्चन अब ये एनालिसिस हमने कैसे निकाला बाई गिविंग मार्क्स जितने मॉर्क दोगे उतना आपको पता चलता जाएगा कि कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से छोड़ने हैं अब हमने एनालिसिस पूरा समझ लिया है कि मॉर्स का एनालिसिस करते कैसे हैं चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है नंबर वन Then, pattern क्या आया हुआ है कितनी में वो चैप्टर हमें पढ़ना है नंबर फाइव न्यूमेरिकल्स कौन से स्किप करने हैं कौन से करने हैं या हम कर सकते हैं एनालिसिस ऑफ मॉक बहुत डिटेल में ये टॉपिक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ट्रिक नंबर ट्रिक नंबर सिक्स ठीक है बट नोट मेकिंग विच बी हार्डली रियलाइज नोट कैसे बनाने हैं बहुत क्वेश्चन आते हैं कि सर नोट अपने कैसे बनाने हैं शॉर्ट नोट बनाने हैं वेरी वेरी शॉर्ट नोट बनाने हैं सो दिस इज वन टू टू पेज शॉर्ट नोट ओनली ड्यूरिंग रिविजन ये आप इनसे आप पढ़ नहीं सकते बिकॉज इफ समी विल बी रीडिंग दीज नोट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे वोट भी एबल टू अंडरस्टैंड इट राइट right? आप टेन पेज का टॉपिक आप एंड में नहीं पढ़ सकते राइट टेन डेज बिफोर दी एग्जाम आपको चाहिए कि मैं एक ही पेज में पूरा टॉपिक कवर कर लू या फिर एक चैप्टर ही खत्म कर लूँ दो पेज के अंदर अंदर दैट इज रिविजन ड्यूरिंग योर रिविजन टाइम नॉट ड्यूरिंग योर स्टडीज ठीक है सो फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट वन टू टू पेज के शॉर्ट नोट्स अगेन दो तरीके के शॉर्ट नोट्स हम बनाते हैं एक होते हैं लॉन्ग नोट्स सॉरी दो तरीके के नोट्स हम बनाते हैं वन आर लॉन्ग नोट्स फॉर आर लर्निंग ठीक है ताकि तो हम अपने नोट्स से पढ़ें एंड वन आर शॉर्ट नोट्स दैट इज फॉर रिविजन आपको जो भी बनाने हैं यू नो स्ट्रेटेजाइज योर सेल्फ पर्सनलाइज अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ बट वन टू टू पेज शॉर्ट नोट्स आर पेटेंट फॉर एंड आई हैव गिवन एन बिहेवियरल स्टाइल ऑफ लीडरशिप में बहुत सारे टॉपिक्स हैं ने Linkerts ने ने लिंकर्स सब बहुत सारी लीडरशिप स्टाइल्स दिए हुए हैं अगेन ये पूरा टॉपिक आधा टॉपिक है ये लीडरशिप का लीडरशिप इज मोर देन दिस बट ये छोटा सा टॉपिक हमने एक पेज में कवर कर लिया है अब इसमें हमने डिटेल में एक एक पैराग्राफ नहीं बनाया लुविन की लुविन की एक्चुअली में लुविन ने you know, he has given three leadership styles. Linkert has given four leadership styles. If we wanted, हम ऐसे करके four को detail में भी explain कर सकते थे. But that, those won't be short notes. अभी हमें क्या पढ़ना है कि Linkert ने चार दिए हैं. वो चार हमको याद हैं already. ठीक है? That is creation of very short notes. Again, it's an art. To understand कि क्या important है, क्या अपने notes में डालना है, क्या skip करना है, कितने छोटे बनाने हैं अपने notes को. Repetition. Okay.

तो हमने डिटेल्स भी लिख ली ग्राफ भी बना दिया एवरीथिंग इज कवर्ड इन हाफ अ पेज दिस इज द ट्रिक टू यू नो क्रिएट योर ओन शॉर्ट नोट्स ओके ट्रिक नंबर सेवन इज रिवर्स लर्निंग दिस आई ऑल्सो डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियो रिवर्स लर्निंग आप क्यू आर में फॉलो कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में फॉलो कर सकते हैं इवन इन योर पेपर टू सब्जेक्ट्स में आप फॉलो कर, uh, कर सकते हैं सॉरी रिवर्स लर्निंग फॉलो कर सकते हैं रिवर्स लर्निंग में होता क्या है First you give mocks. First you give mocks, and then you understand what is your level of preparation for that topic or that subject. ठीक है? For example, क्यों वारी उठा लेते हैं? If we decide कि एक बारी mock देके देखते हैं, we'll be able to know कि हमसे हो पा रहे हैं वो mocks या नहीं, ठीक है?

तो हम क्या करेंगे मॉक्स देंगे ईकू का जो भी क्वेश्चन आ रहा है वील बी रिवाइजिंग द क्वेश्चन बाय रीडिंग द सॉल्यूशन दिस इज एक्जैक्टली व्हाट यूपीएससी पीपल डू पीपल आर गिविंग द यूपीएससी एग्जाम दे डू दिस ठीक है मॉक्स के थ्रू एनालाइज करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग कुछ नया टॉपिक हो गया मॉक्स के थ्रू लर्न कर लिया सो अनादर इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉलोड बाई टॉपर्स इज रिवर्स लर्निंग पहले मॉक्स तो देन कॉन्सेप्ट को समझो या तो मॉक्स के थ्रू और गो टू योर बुक्स बट मॉक्स देना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज अनादर यू नो इंपॉर्टेंट ट्रिक दैट इज फॉलोड बाय टॉपर्स लास्ट ट्रिक आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वॉट इज वट आर दिंग्सो इनकलकेट ना प्रेपरेशन जो टॉपर्स कर रहे हैं बट हम आउट कर रहे हैं एंड लाइक like हम अटक ही गए हैं एक ही फेज पे वो फेज क्लियर हो रहा है डिफरेंट अप्रोच ठीक है सो so, आज हमने वो समझ लिया आई होप यू स्टार्ट एड फॉर योर एग्जाम्स ऑल द बेस्ट